सभी खबरों से जुड़ी किसी भी छोटी या बड़ी अपडेट को पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल खबरी चौखट को, और किसी भी नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि हम रखते हैं चप्पे चप्पे पर नजर। मानहानि केस में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल कर दिया। अपने जवाब में राहुल गांधी ने लिखा कि मेरा स्टैंड हमेशा से ये रहा है कि मैंने कोई अपराध नहीं किया। मोदी सरनेम मानहानि केस में राहुल गांधी की मुश्किलें फिलहाल खत्म नहीं हुई। मोदी सरनेम से जुड़े मानहानि मामले में अपनी याचिका पर शुक्रवार को होने वाली सुनवाई से पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल किया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी उपनाम वाली टिप्पणी के लिए माफी मांगने से एक बार फिर इनकार कर दिया। हालांकि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से आपराधिक मानहानि मामले में अपनी सजा पर रोक लगाने की मांग की है। अपने जवाब में राहुल गांधी ने कहा कि अपील सेशंस कोर्ट में लंबित है, उसमें सफलता की संभावना है, इसलिए दोष सिद्धि पर सुप्रीम कोर्ट रोक लगा दे। पुणेश मोदी ने सीधे उनका बयान नहीं सुना था। मेरे मामले को अववाद की तरह देख राहत दी जाए। मानहानि केस में अधिकतम सजा के चलते संसद सदस्यता गई है। पुणेश मोदी खुद मूल रूप से मोदी समाज के नहीं है। उन्हें इससे पहले किसी केस में सजा नहीं मिली है। माफी नहीं मांगने के चलते घमंडी कहना गलत है। बता दें कि इसी मामले में मानहानि से जुड़े केस के चलते उन्हें संसद की सदस्यता गंवानी पड़ी। हलफनामे में कहा गया है कि रिकॉर्ड में कोई मोदी समाज या समुदाय नहीं है और केवल मोदी वणिका समाज या मोद घांची समाज ही अस्तित्व में है। शिकायतकर्ता ने यह भी स्वीकार किया है कि मोदी उपनाम विभिन्न अन्य जातियों के अंतर्गत आता है। यह भी स्वीकारोक्ति है कि नीरव मोदी, ललित मोदी और मेहुल चौकसी सभी एक ही जाति में नहीं आते। गौरतलब है कि इससे पहले पुणेश मोदी ने सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी की उस अपील को खारिज करने का सोमवार को अपील की थी, जिसमें कांग्रेस नेता ने आपराधिक मानहानि के एक मामले में अपनी दोष सिद्धि पर रोक लगाने का आग्रह किया था। पुणेश मोदी ने कहा था कि गांधी ने मोदी उपनाम वाले सभी लोगों को, खासकर गुजरात के मोद वणिक जाति से संबंधित लोगों का अपमान किया है। खबरी चौखट की रिपोर्ट।